नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रॉयल रिपोर्टर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज 8 दिसंबर 2021 है, जो कि भारत के इतिहास में काला दिवस, दुखदायी दिवस और बहुत ही हृदय को दुखित करने वाला दिवस है। साथियों, आज भारत के पहले CDS हमारे और भारत माँ के सपूत बिपिन रावत जी तमिलनाडु के कुन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई। बेहद ही दुखदायी खबर है और न चाहते हुए भी इस चीज़ को हमें कहते हुए मेरी ज़बान कपकपा रही है। बिपिन रावत सर के साथ उस हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी के अलावे 13 अन्य उच्च अधिकारी थे, वो भी सेना के उच्च अधिकारियों में से एक थे। बताया जा रहा है कि मौसम में खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। वायुसेना के MI-17B5 हेलीकॉप्टर से वो जा रहे थे तमिलनाडु के एक कार्यक्रम में भाग लेने, और बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में उस समय कुन्नूर के आसपास के मौसम खराब चल रही थी, और जिसके कारण तकनीकी खराबी आई और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो जब वो ज़मीन में गिरी, तो बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों द्वारा कि वहाँ ज़ोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें बाहर निकली। पहले बताया जा रहा था कि 5 लोगों का ही शव बरामद हुआ है, लेकिन अब थोड़ी देर पहले ही वायुसेना ने ऑफिशियली यह अनाउंस कर दिया गया कि CDS, पहले भारत के CDS, अब हमारे बीच नहीं रहे। पूरे देश के साथ साथ सेना में बहुत ही दुखी का दौर या लहर कह सकते हैं कि तोड़ चुकी है। इस विपत्ति की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में भारत के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, राज्य मंत्री और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त की। और आपको बता दे, विपिन रावत सर भारतीय सेना के उच्चतम अधिकारी पद पर अभी नियुक्त थे। आज विपिन रावत सर के साथ देश का सबसे बहादुर बेटा, मजबूत सिपाही हमारे बीच नहीं रहा। अगर कुछ है तो उनका शौर्य, उनका देश के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा, उनके द्वारा किए गए आतंकियों पर प्रहार, भारत माँ को आतंकियों से बचाने गए वो कोशिशें, मुहिमें और सफल कोशिशें ही बच के रह गई। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बहुत सारे सम्मान भी दिए गए, लेकिन वह सम्मान से भी बढ़कर उन्होंने जो कार्य किया देश के लिए, देश के सुरक्षा के लिए, वो हमारे देश के लिए एक प्रेरणा के लिए साबित है, और उसे भारत कभी भी नहीं भूल सकता। जब ये खबर आई तो पूरे देश में शोक का लहर दौड़ गया। पूरी तरीके से इंटरनेट पर कहीं कहीं पहले ये खबर अफवाह की तरह फैला, लेकिन शाम को वायुसेना ने यह स्पष्ट कर दिया कि हाँ, सच में विपिन रावत सर जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, और विपिन रावत सर के साथ उसमें 14 अधिकारी जो मौजूद थे, वो भी उच्च रैंक के, वो भी इस घटना में हादसे का शिकार हो चुके हैं। विपिन सिंह रावत के पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह थे, वो भी सेना में सेवा दे चुके थे। विपिन रावत सर का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल गांव में हुआ था। उन्हें दिसंबर 1978 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11वीं गोरखा राइफल्स में 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया। CDS बनने से पहले विपिन रावत सर सेना के 27वें
सेना अध्यक्ष थे विपिन रावत जी। आतंकवादियों से निपटने का लंबा अनुभव उनके पास था और हर क्षेत्र में उन्हें निपुणता हासिल थी। यही कारण था कि उन्हें सेना अध्यक्ष बनाया गया और फिर भारत के पहले CDS बनाए गए। उनके शौर्य, उनके सेवा को देखते हुए उन्हें कई सारे पुरस्कार सम्मान के रूप में भी दिया गया, जिनमें से परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेना मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल आदि उनको सम्मान में दिया गया मेडल है। फिलहाल विपिन सर अब हमारे बीच नहीं रहे। यह सेना के साथ साथ देश के लिए भी बड़ी क्षति की बात है और जब से ये खबर आई है पूरी की पूरी सुर्खियों में है और सारा देश आज शोक में है। बड़े बड़े नेता से लेके मंत्री से लेके सेना के उच्च अधिकारी, यहाँ तक कि कुछ विदेशों से भी आ रहे हैं शोक समाचारों पर, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो 2 मिनट का मौन विपिन सर के लिए और रॉयल यात्रा, रॉयल टीम की तरफ से, रॉयल रिपोर्टर टीम की तरफ से विपिन सर को चरणों में कोटिश श्रद्धांजलि और ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान उनको, आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और हमें गर्व है कि विपिन रावत सिंह जैसे सेना अध्यक्ष हमें मिले, भारत को पहला CDS मिला और उनके नक्शे कदम पर भारत, यह सेना और तीनों थल के सेना आगे बढ़ेंगी और देश को सेवा करेंगे। ये समय टूटने का नहीं है, ये समय एकजुट रहकर यह संदेश देना है, सेना का हौसला अफजाई करना है। और साथ ही साथ विपिन रावत सर, जो कि एक सेना, एक सैनिक थे, उनका पद हालांकि बड़े था लेकिन वो कभी भी इस चीज़ का दिखावा नहीं करते थे। बड़े ही सादगी स्वभाव से रहते थे। तो एक सेना के रूप में हमने बहुत ही बड़ा क्षति हुआ है। भारत माता के सच्चे बहादुर और शौर्य पुत्र के रूप में एक बेटा खो दिया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ रॉयल रिपोर्टर पर। हमारी जय हिंद।